नमस्कार जी। नमस्कार। हाँ जी, कहाँ से है जी आप? चंडीगढ़। तो कैसे पता चला कि यहाँ दवाई मिलती है? YouTube पे वीडियोस देखी थी, उससे पता चला कि यहाँ पे मेडिसिन मिल रही है और ऐसे मतलब आश्रम खुला हुआ है, तो आए। वैसे क्या प्रॉब्लम आपको? ब्रेन कैंसर है, स्टेज 2। तो कितनी बार आ चुके इससे पहले? पहली बार। हाँ जी। तो लगता है आपको यहाँ से आराम हो जाएगा? हाँ, पॉजिटिविटी तो है और आयुर्वेदा वैसे भी सबसे पुरानी पद्धति है, तो लगता है कि नहीं हो जाएंगे ठीक। तो कहाँ तक मतलब डॉक्टर के कितनी बार जा चुके हो पहले इससे अलग जगह बड़े बड़े डॉक्टरों के पास? हाँ, 40 हॉस्पिटल से मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है। सर्जरीज हो चुकी हैं, मोहाली फोर्टिस से सर्जरी हो चुकी है और रेडियो भी हो चुकी है और कीमो चली हुई है। तो वहाँ से लगा कुछ आराम? आराम तो है कंपैरेटिवली, अगर मैं देखूंगी कि सर्जरी से पहले और अभी तक की जो जर्नी है वो काफ़ी बेटर है, पर फिर भी बिल्कुल अगर जड़ से ख़त्म करना है तो इसी पद्धति पे आना पड़ेगा। नमस्कार। नमस्कार जी, आपको क्या प्रॉब्लम? मेरी वाइफ है जी ये। चा, 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 मैं साथ में हाँ यही मैं साथ इसके साथ साथ लेके आया जी। एक्चुअली नेट पर देखा था मैंने, नेट पर यूट्यूब पर यहाँ के बारे में, तो फिर मैं इसको यहाँ पे लेके आया हूँ क्योंकि आयुर्वेदा जो है बड़ी पुरानी पद्धति है, तो हमारा विश्वास है आयुर्वेदा पे। दूसरा, हम देवभूमि हिमाचल से संबंध रखते हैं, तो उसके कारण भी हमारा विश्वास है कि आयुर्वेदा जो है उससे ठीक हो जाएगी। वैसे करते क्या हो? मेरा तो जी अपना काम है, अपना ही बिजनेस है। हाँ जी, प्रॉपर्टी डीलर हैं, ठीक है जी, और भी बैंकिंग के काम है मेरे। मतलब आज के टाइम में मतलब डॉक्टरों के पास ज़्यादा जाने की कोशिश करते हैं, आयुर्वेद को कम वो सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपको क्या चल रहा है? देखो जी, डॉक्टर्स का भी अपना अलग दायित्व होता है, अपना अलग रहता है डॉक्टर्स का भी, लेकिन जो आयुर्वेदा है, मेरा ये मानना है कि डॉक्टर्स के साथ में आयुर्वेदा जो है वो बहुत ज़रूरी है। नमस्कार। कहाँ से है जी? मेरठ से। क्या प्रॉब्लम है? मुझे शुगर की परेशानी है। तो कितने दिन से आ रहे हो यहाँ पे आप? नहीं, मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ आज। तो हाँ। कहाँ से पता चला कि वहाँ दवाई मिल रही है? मेरा लड़का है जो अभी आपसे कैंसर के बारे में बात कर रहा था, ये लेके आया है कि चाची वहाँ से दवाई दिलवाऊंगा। आपका लड़का ही? हाँ। तो इसको है आराम? हाँ, इसको आराम है, इसको बहुत आराम है। नमस्कार। नमस्कार। कहाँ से आए जी आप? मैं मेरठ से आया। क्या प्रॉब्लम थी आपको? मेरा रेक्टम में ट्यूमर था। तो अब कैसी तबीयत है? वो तो मेरी सर्जरी हुई, कीमो हुई थी, वो तो निकल गया था, लेकिन अभी एक लंग्स के नीचे भी नोट्स निकला है नए सिरे से और एक इस जगह पे नोट्स है, तो मैं यहाँ की दवाई ले रहा हूँ, तो मुझे अभी बहुत आराम है। पहली बार कब आए थे आप? कितने दिन पहले यहाँ पे आए थे? हम मार्च में। तो अब टोटल टाइम कितना आ गया? 5 महीने हो गए दवाई खाते हुए यहाँ पे। दवाई कितने दिन की मिलती है? एक बार 15 दिन 10 दिन? एक महीने के लिए जाते हैं, बाद में फिर ऑनलाइन मंगा लेते हैं। तो कैसे पता चला कि यहाँ दवाई मिलती है? हमारे एक मित्र थे जानते जान के, तो उन्होंने हमें पता नहीं था, पर हम पहले ही आते सीधा, लेकिन जब हमारा कीमो वगैरह हो गया था, फिर हमें एक दोस्त ने बताया कि ऐसे वहाँ जाओ, एक बार वहाँ जाकर दिखाओ। जब से मैंने यहाँ पे इलाज कराया है, बहुत आराम मिल रहा है और मैं आज खड़े होने लायक हूँ, मैं अपना सारे काम अपने आप कर लेता हूँ, वरना सर्जरी के बाद में और कीमो के बाद में बहुत वीकनेस आ गई थी, तो अभी बहुत आराम है।